किल टू फॉर श्योर। स्टैंडमेंट टू अगर आती है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, लेकिन किल टू अगर आएगी तो और ज्यादा मजा आएगा। एंड फिल्म कितनी बार देखी रहती? मैंने तो एक बार, तीन चार बार तो देख ली। फिर टोरंटो गई थी, फिर न्यूयॉर्क गई थी, फिर काफी फेस्टिवल में। इसने एक बार भी नहीं देखी है, तो मैंने देख ली तीन चार बार। आपने सर? मैंने भी सर तीन चार बार आपके साथ ही देखी है। हाथ में हाथ डाल के हम खड़े बैठे थे फिल्म में, तो हाँ तीन चार बार। And the second question was that do you see yourself doing any other film as a launch film other than Kill? Because I seriously cannot. जो भी हुआ मैम, इट्स ऑल गॉड्स ब्लेसिंग। मेरी मम्मी की प्रेज है, वही सब काम आई है और आप सबका प्यार मिला। लॉन्च शायद यही मेरी किस्मत थी और यही मेरी सच्चाई है, as simple as that. देखिए सर, एक्टिंग की है और बहुत एक्चुअली मुझे फिजिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा मुझे साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बहुत लेनी पड़ी इस फिल्म के लिए। स्क्रिप्ट्स बहुत बार पड़ी, हमने नौ महीने मैंने इस कैरेक्टर को दिए हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए, इसको जीने के लिए, और इसको इसके न्यूएंसेस और रिदम पकड़ने के लिए। तो मैं मौका ही ढूंढ रहा था कि किसी तरह मुझे एक्टिंग में मौका मिल जाए, लोगों को पता लग जाए कि मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं और एक एक्टर, सीरियस एक्टर भी हूँ। और इस फिल्म के द्वारा मुझे करण सर ने, गुनीत ने, निखिल सर ने मौका दिया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये मैं बहुत कम होता है था कि लोगों को अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक करने का मौका मिलता है और मुझे मिला है। एंड बस मजा आ रहा है अभी ये सब देख के। आई फील ग्रेट अबाउट बीइंग कॉल्ड विलन ऑफ द ईयर। आई फील ग्रेट। आई एम लाइक मैं रोज रात को ऐसे सो रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि और दैट टू इंटरनेशनल क्रिटिक्स जिन्होंने फिल्म देखी है टिफ में। सो इट्स अ बिग थिंग यार, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। एक देहरादून छोटे से शहर से आया हुआ लड़का ट्रेन से ही गया था बॉम्बे, और मैंने बैक डांसिंग से लेके स्टूडियो में सोने से लेके कोरियोग्राफी से लेके होस्टिंग से लेके डांस से लेके सब करके घाट घाट का पानी पी के 14 साल बाद इंडस्ट्री में मुझे ये मौका मिला है। 14 साल लगे मैम इसको पाने में और मुकाम हासिल किया जो भी अभी किया इस फिल्म के द्वारा। और हमारा सारा करियर मैम, हम आउटसाइडर्स का इसी फिल्म पर टिका है मैम। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक करण जौहर, उम्मीद निखिल सर की उन्होंने हम तीनों के टैलेंट से हमें जज किया और टैलेंट से हमें वो फिल्म के अंदर लेके आए। और ऐसा ही आगे हम बहुत सारे हमारे जो यूथ है उनके लिए रास्ता खोलेंगे मैम, तीनों। थैंक यू वेरी मच। एंड वी हैव आल्सो हर्ड यू हैव डिटैच योरसेल्फ फॉर सम टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस रोल। एग्जैक्टली यस, मेरे को थोड़ा सोशल मीडिया से और हर जगह से मैंने थोड़ा डिटैच किया था अपने आप को, सो दैट आई रियली नेल दिस, किल दिस। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा मैम कि ये हमारी जो फिल्म है किल, हम इंटरनेशनली जाते हैं तो वी टॉक अबाउट जॉन विक, वी टॉक अबाउट रेड, वी टॉक अबाउट ऑल द बेस्ट ऑफ द फिल्म्स जो वेस्ट में बनी गई है। तो हम जब बाहर गए तो हमें बोला गया कि ये बेस्ट फिल्म है। कनेक्टेड था मैं इस फिल्म से एज राघव, एज एन एक्टर, मतलब नॉट एज अ कैरेक्टर, वो अलग बात है, बट एज राघव ऑल्सो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड था इस फिल्म से। जब लास्ट डे था, मैं और लक्ष्य ट्रेन में खड़े हुए थे जब सब निकल रहा था और वो जो ट्रेन बनी थी हमारी, और हमारे दोनों की आंखों में आंसू थे। आई थिंक वो लास्ट डे जो मुझे याद आ रहा है। सो इट वॉज रियली इमोशनल फॉर मी बिकॉज बहुत खूब, मतलब सच्ची में हमने खून पसीना दिया इस फिल्म को। देख रहे होंगे आप खून तो। यस हाय, हेलो। तो ऐसे बोला कि मेरा कॉल आया जैसे, कहाँ है? हाय तालिया, हिमांशु देसाई। सो बहुत ही सुंदरता से आपने किरदार को जो है अपने प्ले करा और बहुत ही बेरहमी से जो है आपको किरदार ख़त्म कर दिया, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, कैसे आपको ये फिल्म ऑफर हुई, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और फिल्म में इतना इंटेंस है, इतना मतलब सेट मूवमेंट दिखाया गया, सेट पर भी कुछ इसी तरीके का बना रहता था? सेट तो आई थिंक ट्रेन ही होगा मुझे लग रहा है। एक्चुअली ऑडिशन दिया था, उसके बाद जाके हम लोगों ने वर्कशॉप्स वगैरह शुरू किया आफ्टर आई गॉट सिलेक्टेड। और फिर हम लोग, मैं और लक्ष्य बहुत पढ़ते थे, वी यूज्ड टू सिट ऑन द सीन्स विद निखिल सर। राघव से कभी भी मुलाकात नहीं हुई थी एक्चुअली शूट से पहले। हमें बोला गया था कि हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, तो वो भी प्रोसेस चलता था। पर आप राघव को देख सकते हैं, इट्स सो डिफिकल्ट टू बी सीरियस अराउंड हिम, बट व्हेन ही इज इन कैरेक्टर
ही गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप भी अपना किरदार बखूबी से निभा पाएं. तो मुझे तो बहुत मजे आते थे यार, और इनके साथ कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे एक्शन में बचने की जरूरत है. मैं खुद भी ऐसे बहुत ही खुशी खुशी हराल हो रही थी वहाँ पे. हाँ हाँ ठीक है. तो बहुत मजे आते थे ऑन सेट. ओके लक्ष्य, एक आपसे, जैसे कि आपने बताया कि दोस्ताना 2 जो है शेल्फ हो गई थी किसी रीजनों की वजह से, तो उस फिल्म में कार्तिक भी थे तब. उस टाइम पे करण और कार्तिक के बीच में ऑल इज नॉट वेल, लेकिन अब दोनों दोस्त बन गए हैं, तो क्या दोबारा से फ्लोर पर फिल्म? यहाँ पे कोई है धर्मा का जो आंसर यार, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मुझे. हेलो हेलो सर, सर हम एक्चुअली बिहार से हैं, लोग पटना गए हुए थे. तो आपको लगा नहीं कि आप एक इतनी सुंदर एक्ट्रेस के? नहीं मेरे ये नहीं लगा मुझे. सही है, सही है. बता दे रहा हूँ. तो हालांकि उसके नीचे गद्दे वद्दे बिछे हुए थे पूरे, क्या फील आ रहा था. लास्ट टू क्वेश्चन मेरा एक और सवाल है आप लोगों से. सबसे पहला और और उसके बाद जो आंसू वो बह रहे हैं वो बहते गए थे कट होने के बाद भी. सब लोग रो ही रहे थे सेट के ऊपर, और तालियां बज रही थी, रो भी रहे थे. आपने अभी तक अब फिल्म नहीं देखी, आपने जस्ट बताया. इज इट लाइक यू आर किडिंग ही 2.0 की नहीं मुझे देखा नहीं जा रहा वर्ड. या मुझे मैं अपने आप को रोका हुआ है. मैं अभी आके वेट कर रहे हैं. मैं कुछ भी नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर है. एक्चुअली मुझे नर्वस भी सही. ये लोग तो बोल के खत्म कर देते हैं यार, पता नहीं क्या होगा, 5 लोग पता नहीं क्या होगा. मैं भी जिसने आज तक एक बारी भी एक झलक भी नहीं देखी है इस मूवी की, उसके हाल क्या हो रहे हैं अंदर, सूखी पड़ी हुई है. Tanya's parents are here. Can we know where they are? Oh! 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 Which color of red would you love to choose? अगर आपको दोनों options मिलेंगे, एक hero बनने का जो प्यार करेगा, या एक ऐसा villain का जो इस तरीके से kill करेगा? I think एक villain जो प्यार करेगा. शाहरुख सर ने किया था ना डर में, तो कैसा सब मैं सब कर सकता हूँ. मैं अपने डायरेक्टर सारे बोलना चाहता हूँ कि यार मेरे अंदर सब कुछ है यार, मैं सब कर सकता हूँ. मैं कॉमेडी करी है, डांस किया है, कोरियोग्राफ किया है, होस्टिंग की है, मैंने ब्रोकरिंग की है बम्बई में, मैं सब करा है. मैंने मेरे पे कुछ ऑप्शन नहीं होता तो मैं मोमो जुआल मोमो भंडार खोल लेता. मैं सब कर सकता हूँ यार. ओके थैंक यू. 5 जुलाई गाइस प्लीज प्लीज.